पहले 4 सप्ताहों में छत्तीसगढ़ में होती थी औसतन प्रतिदिन, और अब वो बढ़कर 155 हो गई हैं। केरल में मृत्यु दर अभी भी नियंत्रण में है, लेकिन नंबर्स केरल में बढ़े हैं। केरल के नंबर डिक्लाइन दिखा रहे थे, लेकिन पिछले 2 सप्ताहों में ये बढ़े हैं, और इन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए इस पर भी राज्य सरकार भारत सरकार के साथ सहयोग कर काम कर रही है। हम आपको दोनों वेव्स के बीच का कंपैरिजन भी आज दिखाना चाहते थे। ये एज वाइज कंपैरिजन है केसेस का, 2020 की वेव में जो रिपोर्ट हुए और 2022 की वेव में जो रिपोर्ट हुए, ये प्रतिशत में है। अगर आप 10 वर्ष से कम आयु के लोगों का कंपैरिजन करें, नीला रंग का जो बार है वो दिखाता है कि वर्तमान वर्ष में जो नई वेव हम देख रहे हैं उसमें 2.97 परसेंट ऐसे केसेस हैं जो 10 बरस से कम के हैं, पिछली वेव में 4.3। 10 से 20 बरस का देखें तो लगभग समान है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 20 से 30 बरस का देखें तो 2020 में 20% और अभी 19.35। 30 से 40 का देखें तो इस वेव में कुछ ज़्यादा, 21.15 और पिछले वर्ष 21.05। 40 से 50 में देखें तो लगभग बराबरी पर है। 50 से 60 आयु वर्ग के लोगों में देखें तो पिछले वर्ष 14.80% लोग थे, इस बार बढ़े हैं 15.07 हो गए हैं। 60 से 70 में देखें तो 10% और 9% है इस वर्ष, ये ऐसे मामले 60 से 70 आयु वर्ग वालों के बढ़े हैं। 70 से 80 देखें तो लगभग वही स्थिति है, और 80 से अधिक भी देखें तो लगभग वही स्थिति है। अब इसी प्रकार का कंपैरिजन यदि हम मृत्यु के आंकड़ों में करते हैं तो 20 से 30 बरस के लोग, ये भी प्रतिशत में कंपैरिजन है। पिछले वर्ष 2020 की जो वेव थी, हमने ये पाया कि कोविड की कुल मृत्यु में 2.08 वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल हु वर बिटवीन 20-30 इयर्स ऑफ एज, वेयर एज इन द प्रेजेंट वेव इट इज 1.72। सो देयर इज नॉट टू मच ऑफ अ डिफरेंस। इफ वी लुक एट द एज ग्रुप 30-40, देन इट इज 5.27% एंड 5.39%, अगेन ऑलमोस्ट द सेम। इफ वी लुक एट एज ग्रुप 40-50, देन इन लास्ट ईयर इट वॉज 11.98 एंड दिस ईयर इट इज 10.82, ऑलमोस्ट 1% डिफरेंस। इफ यू लुक एट एज ग्रुप 50-60, देन लास्ट ईयर इट वॉज 23.29, दिस ईयर इट इज 21.23। 60-70 इज ऑलमोस्ट द सेम। हाउएवर 70-80, दिस ईयर द डेथ परसेंटेज इज हायर, 22.17 कंपेयर टू 19.99 लास्ट ईयर। एंड इफ वी लुक एट मोर देन 80, इट इज अगेन हायर दिस ईयर, 9.81 एज कंपेयर टू 7.82। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा एक मुख्य समस्या की तरफ, वो ये है कि जब भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों पर डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पतालों में आते हैं और बेड्स की आवश्यकता होती है। राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा बेड्स की भी व्यवस्था की जाती है और भारत सरकार के जो संस्थान हैं राज्यों में उनके द्वारा भी व्यवस्था की जाती है। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा। 1 मार्च को दिल्ली में 510 बेड उपलब्ध थे, 510 बेड्स वर अवेलेबल इन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इनमें से 419 कोविड बेड थे, और ये ऑक्सीजन बेड भी कहलाते हैं, और 91 आईसीयू बेड्स थे। 20 अप्रैल को जो भारत सरकार के अस्पताल हैं, मैंने ब्यौरा यहाँ नीचे आपके साथ साझा किया है, इनमें 2,105 बेड बढ़ा दिए गए, 1,875 ऑक्सीजन के बेड और 230 आईसीयू के बेड। आने वाले दिनों में हम 164 ऑक्सीजन बेड और 122 आईसीयू बेड जोड़ रहे हैं।
ये अगले दो सप्ताहों में जुड़ जाएंगे। तो ये जो 2105 बेड अभी उपलब्ध हैं वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, वो ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में है, एम्स का जो झज्जर में कैंपस है उसमें है, फिर एम्स की जो मेन बिल्डिंग है उसमें है, सफदरजंग अस्पताल में है, आरएमएल अस्पताल में है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो सरिता विहार में है वहाँ है, ईएसआई का ओखला में अस्पताल है उसमें एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं, ईएसआई का झिलमिल में भी अस्पताल है, ये दोनों लेबर मंत्रालय के अस्पताल हैं, इनमें भी एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा जो इसमें नहीं है लेकिन जो जानकारी मैं आपको आज देना चाहता हूँ वो ये कि रेलवे ने शकूर बस्ती में 50 कोचेज लगाई हैं, इनमें 800 बेड। तबे केंद्र मंत्रालय रो प्रेस मीट आपण मन सुनि पारथले, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरो एथरो जहां देश रे एवं पूरा देश रे जहां स्थिति रही छि जे संक्रमण रो संख्या जे भली भाबरे वृद्धि पाउछि किंतु गत वर्ष अपेक्षा ए वर्ष संक्रमितक संख्या वृद्धि पाउथले भी मृत्यु संख्या से भली भाबरे वृद्धि पाई पारि नाही, मृत्यु संख्या कम रही छि जहां एक मध्यम भलो खबर, किंतु जे भली भाबरे संक्रमितक संख्या वृद्धि पाउछि से अनुपात रे यदि मृत्यु संख्या होइथांता तबे चिंताजनक स्थिति सृष्टि करिथांता, किंतु जे भली भाबरे राज्य सरकार को तरफ जहां भी निष्पत्ति निया जे बेड संख्या उपरे विशेष भाव में गुरुत्व दिया जाउची एवं मृत्यु संख्या जेहेतु कम रहुची तेणु चिंता टिके कम रहुची, किंतु संक्रमितक संख्या लगातार भाव जेहेतु वृद्धि पाउची ताहा मध्य एक प्रकार विशेष भाव में देखिबा जे 10 वर्षर अधिक बा शिशु मान क्षेत्र में गत वर्ष रे अधिक संक्रमितक संख्या सामना को आसुनथिला, किंतु वर्तमान अधिक शिशु आसुचंती युववर्ग जेहेतु आसुचंती ताहा मध्य एक प्रकार चिंता बढ़ाउची, किंतु भल कथा हेउची जे ए वर्ष बा 2021 रे मृत्यु संख्या कम रहुची गत वर्ष अपेक्षा वर्तमान जहाँ